ऐसे मोदियां बहुत आए बहुत चले गए। बड़े ठाकरे हैं कहां के ठाकरे फाकरे आओ। मैं तुम्हारे पास आया हूं हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार आज तीसरा बिंदास बोल लेकर आए हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी के नंगा नाच को लेकर हम विभिन्न सवाल आपको पूछ रहे हैं। और आज के बिंदास में हम आपको सवाल पूछ रहे हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी के MIM पार्टी की मान्यता क्यों न रद्द की जाए। जिस प्रकार से उसका नंगा नाच चल रहा है उसको देखते हुए उसका पार्टी की मान्यता रद्द होना जरूरी है और कानून भी यही कहता है कि उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। लेकिन ये सारी संभावनाओं के बावजूद अभी भी इसके पार्टी की एक्टिविटी चालू है। ये वही दल है जिसको शुरू में बैन किया गया था, आजादी के साथ बैन किया गया था, लेकिन अब भी ये दल जारी है। तो हमारे साथ आज एक वकील भी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ आज एडवोकेट विवेक शर्मा जो कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो भी जुड़े रहेंगे। हम आपको इसके भाषणों का कानूनी पहलू दिखाएंगे। हमने पहले आपको दिखाया था पहले बिंदास में कि किस तरीके से ये अपनी बातें करता है। कल हमने दिखाया था राजनीतिक दलों के बारे में और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि इसका राजनीतिक दल ही कैसे गैरकानूनी है या गैरकानूनी एक्टिविटी में जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हम आपके सामने वो सारे एक एक करके वीडियो लेके जाए। पहला वीडियो हम आपके सामने लेकर आते हैं, उसके बाद वकील साहब से बात करेंगे। पहला वीडियो दिखाते हैं। बाबरी मस्जिद छोड़े थे ना छोड़ेंगे, ना काशी छोड़े थे ना छोड़ेंगे, ना मथुरा छोड़े थे ना छोड़ेंगे। संस्थापक नेता बहादुर यार जंग भारत द्रोही था, साथ ही वो हैदराबाद को भारत में मिलाने का कड़ा विरोधी था। अपने अलग विचारों के चलते संगठन का अलग संविधान, झंडा और काम करने के तरीके बनाकर उसने उस समय के मुस्लिम लीग से संबंध स्थापित किया था। इतना ही नहीं, हैदराबाद को भारत से तोड़ने के लिए हैदराबाद की जनता को धमकाने और अपने दबाव में रखने में भी वो आगे था। 15 सितंबर 1948 को भारत ने निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही कर उसका संस्थान 17 सितंबर को भारत में मिला लिया। उसी दिन भारत सरकार ने इत्तेहाद उल मुसलमीन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध साल 1957 में हटाया गया। इत्तेहाद उल मुसलमीन का मूल इतिहास यहाँ खत्म तो हो गया था लेकिन उसकी जड़ें जिंदा थी। साल 1974 में उसके कार्य को पूरा करने का मसुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने शुरू किया। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी ने इत्तेहाद उल मुसलमीन के काम करने के पुराने तरीके को फिर से जिंदा किया। इतना ही नहीं, उसने इस्लामी राज्य प्रस्थापित करने की राजनीति फिर से शुरू कर दी। आगे चलकर सलाउद्दीन ओवैसी ने अपने दल का उत्तरदायित्व अपने दोनों बेटों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को सौंप दी। आज इन दोनों भाइयों का हैदराबाद में दबदबा है, यहाँ पर इनकी सत्ता चलती है। महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो कुल 24 सीटों पर MIM ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में इस पार्टी के दो विधायकों ने अपनी जीत भी दर्ज कराई। अब इसे दहशत नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि यहाँ की जनता इन दोनों भाइयों का विरोध नहीं करती, चाहे ये कितने ही भड़काऊ भाषण क्यों न दे। विवाद को पैदा करने में तो इन दोनों भाइयों ने महारत हासिल की हुई है। बड़ा भाई असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद है तो छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक। दोनों की शिक्षा तो उच्च स्तर की है लेकिन स्थानीय स्तर की गंदी राजनीति करने में ये पीछे नहीं है। कुख्यात होने पर भी वे सरकार को सदा अपने दुष्कृतियों को अनदेखा करने के लिए विवश करते हैं। दोनों ही भाई कट्टरवाद को आगे रखते हैं, किसी न किसी बहाने हैदराबाद की जनता को भड़का देते हैं और अपने भाषणों में हिंदू और हिंदुओं के भगवान पर अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। इतना ही नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी को तो मोहम्मद अली जिन्ना के रूप में देखा जाता है जो हिंदू मुसलमानों के मन में एक दूसरे के लिए घृणा फैलाने और देश को बांटने वाले अनेक सार्वजनिक भाषण करता रहता था जिसके चलते देश का विभाजन भी हो गया था। आज ये दोनों ओवैसी भाई भी भारत को बांटने पर तुले हुए हैं। इनका जल्द ही उपचार नहीं किया गया तो ये इसी तरह भारत में भड़काऊ भाषण करते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
हमने आपको ये पहले इसका इतिहास दिखाया, इसका दल क्या है, इसकी पार्टी क्या है, आपको बताया कि कैसे आजादी से लेकर अब तक इसका पूरा चरित्र रहा है, और ये दल है जिस पर पहले भी बयान लग चुका है, अब ये दोबारा वही सब कुछ कर रहा है। हालांकि पहले भी करता था, लेकिन तब इसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था। पीछे हमने जब बोला तो इसको अरेस्ट हुआ है, और आप जब बोल रहे हैं तो इसको तो अरेस्ट करना ही है, इसका बेल कैंसिल तो करना ही है, लेकिन इसके दल की मान्यता भी रद्द करनी है। और इसलिए हम आपके सामने विभिन्न पहलू के साथ, प्रूफ के साथ लेकर आए हैं। और देश की न्याय व्यवस्था भले ही चुप हो, देश के राजनीतिक दल भले ही चुप हो, देश का चुनाव आयोग भले ही चुप हो, हम इन सबको बोलने के लिए मजबूर करेंगे। हम टीवी पर इसके कानूनन हम वकील के साथ चर्चा करके दिखाएंगे कि कौन सा कानून क्या कहता है, और उसके आधार पर इसका भाषण क्या कहता है। देश में दंगे भड़काने, धर्म का दुरुपयोग करने, तमाम धाराएं जो कानून में है, भारत के संविधान में है, चुनाव आयोग में है, उनका उल्लंघन हो रहा है। चुनाव आयोग आपके मेरे जेब से हजारों करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव करता है, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाकर कैमरे हायर करता है, उनसे नेताओं के भाषणों को रिकॉर्ड किया जाता है, और उन रिकॉर्ड भाषणों पर अगर कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है तो आखिर हमारे पैसे की बर्बादी क्यों होती। और अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसका उपयोग नहीं किया है तो चुनाव आयोग से उस पैसे को वसूला जाए। चुनाव आयोग इसलिए सबसे बड़ी संस्था है जो सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, और स्थानीय प्रशासन जहां पर ये भाषण होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, और फिर भारत की सरकार भी जो देश के विरुद्ध युद्ध पुकारने की भाषा करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करती। ऐसे तमाम सारे पहलू को अगले एक घंटे तक हम आपके सामने एक वीडियो, उसका कानून ये दिखाएंगे, साथ साथ में आपके कॉल लेंगे। पहले एक वीडियो देखते हैं, वकील साहब से बात करते हैं, और उसके बाद आपके कॉल लेते हैं। पहला वीडियो आपके साथ। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन दाखिल हुआ। विवेक जी, आपने देखा ये क्या शब्द बोल रहा है, इसको आप कानूनी भाषा में क्या कैसे व्याख्यांकित करेंगे? नमस्कार। हाँ, मेरा तो ये मानना है सुरेश जी कि ये आदमी एक भी मिनट के लिए बाहर कैसे घूम रहा है। 124 धारा सेक्शन 124 इंडियन पीनल कोड साफ साफ ये प्रावधान करता है। ये तो बिल्कुल हेट्रेड की, नफरत फैलाने वाली, देश को तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहा आदमी। तो ये एक भी मिनट बाहर कैसे रह सकता है, इसको तो अंदर ही होना चाहिए। और जैसा कि ये अरेस्ट के बाद इसको जमानत मिली है, अगर चौटाला की जमानत रद्द हो सकती है, अन्य लोगों की जमानत रद्द हो सकती है, तो इसकी क्यों नहीं हो सकती? इसकी जमानत भी रद्द होगी, कोई न्यायालय को अप्रोच करेगा तो इसकी जमानत डेफिनेटली रद्द होगी। चौटाला की जमानत भी जब सीबीआई ने अप्रोच किया हाईकोर्ट को, तब कहीं जाके वो रद्द हुई, अपने आप नहीं रद्द हुई। तो लेकिन सीबीआई ने अप्रोच किया, यहां पर कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी अप्रोच कर सकती है? यहां प्रोसिक्यूशन जो भी पार्टी है, जो भी स्टेट है, वो अप्रोच कर सकता है। एक पब्लिक के, एक सिटीजन के रूप में मैं भी अप्रोच कर सकता हूं, आप भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई नागरिक जाकर के हाई कोर्ट में लगा सकता है एप्लीकेशन कि भाई ये आदमी बाहर क्यों घूम रहा है, जबकि ये पूरे देश के लिए आज एक खुलेआम खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये खतरा है। बिल्कुल, ये बात आप बोल रहे हैं जिसके आधार पर इसको बेल मिली है, उसको रद्द करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए। बिल्कुल। और जो भाषण अभी आपने देखा, इस भाषण को आप कैसे व्याख्यान्वित करेंगे? ये जो भाषण है, ये जितने शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया गया है कि हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, आ जाओ लड़, ये क्या है? ये तो इंटरनल विद्रोह फैलाने वाली बात है। सीधे सीधे खुलेआम राज्य और देश की सरकार को चुनौती है कि रोक सकते हो तो रोको मुझे, और नहीं रोक सकते हो तो हम तो यही करेंगे। अब इसके भड़काओं में आकर के यदि कोई समाज या कोई कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के प्रति नफरत की भावना से कोई अलगाव, दुराव या ऐसा कोई युद्ध छेड़ देती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही तो है। ये बाद में जिम्मेदार है, पहले वो सरकार जिम्मेदार है जो एक्शन नहीं ले रही इस बिल्कुल के बाद भी। बिल्कुल। तो इसलिए इसको तो तुरंत अरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल।
चलिए हम आपके पास फिर एक वीडियो चलाएंगे, उसकी व्याख्या के लिए आएंगे। अभी कॉलर के पास चलते हैं। बिंदास में कई लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं और देश का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को घर बैठे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए खुला मंच देता है, इसलिए हम लोगों को भी बोलने का मौका देंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। सर क्या कहना है आपको? मैं बात ये कहना चाहता हूँ सर, हाँ। क्योंकि ये देश में एक ओबेसी नहीं है, देश में इस तरह के बहुत से ओबेसी बैठे हैं, हाँ। और इन तरह के देशद्रोहियों से निपटने के लिए हमारे देश की सरकार को कोटा जैसे सख्त से सख्त आतंकवादी देशद्रोही कानून बनाने, जो देशद्रोहियों के खिलाफ कानून हो बनाने चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही लोग सख्त से सख्त कानूनों से डरते हैं, और इनसे निपटने के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्स बननी चाहिए, इनके मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्स में लगने चाहिए, जल्द से जल्द इनको फैसला देकर जल्द से जल्द इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कानून की लंबी प्रक्रिया से भी इनको फायदा मिलता है। और दूसरी बात, ये बात करता है 15 मिनट की, 15 मिनट के लिए हमें, 15 मिनट की बात छोड़ो, 5 मिनट के लिए मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से इसको चैलेंज करता हूँ कि मेरे सामने आ जाए, 5 मिनट के सिर्फ इसको मैं खत्म कर दूंगा सर। धन्यवाद। चलिए, ये तो मच्छर है, मच्छर को खत्म करने में 5 मिनट भी क्या चाहिए, लेकिन हम कानून के द्वारा काम करने वाले, संवैधानिक तरीके से काम करने वाले लोग हैं, और इसीलिए ये हमारे इस कानून के द्वारा जीवन जीने की जो हमारी आदत है, जो संस्कार है, इसको ये कायरता समझता है और भोगता रहता है। और ऐसा होने के बावजूद आपके हमारे नेता, आपके हमारे सुरक्षाकर्मी, आपकी हमारी पुलिस, आपकी हमारी सरकारें चुप बैठती है, और हमें बिंदास बोल में लगातार सुदर्शन पर इस मुद्दे को उठाना पड़ता है। अगले कॉलर। जय हिंद। जमन नमस्कार सर, मैं दीपक कुमार बिहार के गया जिले से बात कर रहा हूँ। हाँ। सर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी जैसे मेरे बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं और अपने जैसा, मतलब बहुत लोग को तैयार कर रहे हैं, ऐसे लोग को मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज करके फांसी देना चाहिए सर। लेकिन आप बिहार में हैं, आपके आसपास घटना घट रही है, आप भी करिए ना उनके खिलाफ FIR। जी मैं जरूर करूंगा सर, मैं जरूर करूंगा। चलिए, क्योंकि हर बात मोदी करेंगे तो फिर हम किस लिए है, और ऐसे छोटे से मच्छर के लिए मोदी का हथियार तोप यूज करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी जय हिंद सर। बोलिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जो सेकुलर वादी लोग हैं वो लोग कहाँ गए सर? अभी जो सेकुलर नेताओं जो है, जो अपने झंडा हर समय खड़ा करते रहते हैं देश के लिए, सेकुलर का बहुत तार रहा, तो ये लोग कहाँ गए सर? अभी क्यों नहीं इस पर प्रश्न उठाते हैं? जो ओवैसी करता है वो तो सेकुलर नहीं है ना सर? बिल्कुल। तो इस बिल्कुल, ये उन लोगों को, उस जमात के लिए आह्वान है जो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल अकेले हिंदुओं को निशाना बनाती है। ओवैसी जैसे लोग जब बोलते हैं तो इसके खिलाफ बोलने के लिए जमात का मुंह नहीं खुलता है, ये गायब हो जाते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ऐसे विषयों से भागने वाले लोग सेक्युलरिज्म के नाम पर देश में कायरता फैला रहे हैं, लोगों को नपुंसक करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग इन लोगों के एजेंट हैं, इन लोगों के बात में आकर धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या का हम किसी भी प्रकार में स्वीकार ना करें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए। मैं बोल रहा था सर, ओवैसी अगर ओवैसी हैं, मैं मानता हूँ कि वो एक मवेशी है। मवेशी का मतलब क्या होता है? क्योंकि उत्तर भारत में शायद बोला जाता है, उधर क्या बाकी देश समझे, इसलिए उसका अर्थ भी बताइए। मेरा मानना है कि अगर उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया है तो मैं चाहता हूँ कि वो एक देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक दौरा करें, उसी में उनको मालूम चल जाएगा कि हिंदुस्तान की क्या शख्सियत है, क्या संस्कृति है, और हिंदुस्तान में रहने के लिए क्या चाहिए। धन्यवाद। वैसे इन्होंने जो मवेशी बात कही है वो जानवरों के लिए उत्तर भारत में कही जाती है, और ये तो इसको जानवर या इसको कुत्ता कहना भी उसका अपमान है, क्योंकि कुत्ता अपने मालिक के प्रति ईमानदार होता है। दुनिया का सबसे ईमानदार प्राणी कुत्ता होता है, और ये इसे भोंकना, ये शब्द यूज करना भी गलत है, क्योंकि ये कुत्ते का अधिकार है जो अपने मालिक के लिए, उसके रक्षा के लिए, उसको जगाने के लिए भोंकता है। ये तो जिस देश का नमक खाता है उसी के साथ बेईमानी करता है। अगले कॉलर। जय हिंद।
बोलिए। हेलो बोलिए सर, मैं मुशीर बात कर रहा हूँ। हाँ महाराष्ट्र से। बोलिए सर, परवीन तोगड़िया जैसे भी लोग सर जहर उगलने वाली बात करते। हाँ तो उनका देखेंगे ना जब नंबर आएगा, अभी तो ओवीसी का नंबर आया है। ओवीसी के विषय में आपका क्या कहना है सर? तो अभी जो है आप एक तरफी मामला बता रहे हो ना अभी। हाँ तो जब आपका आपकी ट्रीटमेंट होगी तो आप ही क्यों देखेंगे ना, एक एक पेशेंट को देख के ठीक करेंगे। ओवीसी में क्या कहना है आपको? पीछे से कोई प्रॉम्प्टिंग करवा रहा है लगता है, ऐसे पपेट ही कॉल करके ओवीसी का समर्थन कर सकते हैं। धन्यवाद। दूसरा वीडियो हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर वकील साहब के पास चलते हैं। एक और वीडियो कानून के साथ, धारा के साथ। मेरी कामयाबी, मैं अकेला चला जाऊं तो कुछ नहीं, आप अकेले चले जाएं तो कुछ नहीं, आप हम मिल के जाएं तो ये दुनिया को फतेह कर सकते हैं। हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है, दुनिया को फतेह कर सकते हैं, हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है जी। मैं वकील साहब के पास चलूंगा। विवेक जी, ये हिंदुस्तान को नहीं दुनिया को फतह करने की बात करता है, लोकतंत्र के युग में फतह करना, पराजित करना, क्या कहती है कानून की धारा? ये देखिए, धारा 124, 125 दोनों में कल्पेबल ऑफेंस है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब सुनने के बाद, मेरे ख्याल से सारे लोग इसे सुन रहे होंगे, चुनाव आयोग तक आपने भी अपनी बात पहुंचा दी होगी, फिर भी अभी तक ना तो इसकी मान्यता रद्द हुई है, ना पार्टी की मान्यता रद्द हुई है, ना इसकी मेंबरशिप गई है, ना कोई एफआईआर पे कोई एक्शन हो रहा है। मेरे ख्याल से जितने भी जागरूक नागरिक हैं उनमें से किसी ना किसी ने एफआईआर कराई होगी। मैं चाहूंगा कि इसको डिफाइन करें, इसके शब्द कैसे गलत है दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपने देखा अभी एक कॉल आया था, बहुत से लोग ये कहते हैं कि फलाना ये कहता है इसलिए इसको माफ करना चाहिए। हालांकि ये तोगड़िया का नाम ले रहा था, मैं एक जानकारी रिसर्च के आधार पर आपको दर्शकों को देना चाहूंगा कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कानूनी कार्रवाई किसी पे हुई है तो हिंदू नेताओं पे हुई है, ऐसे शब्दों का उपयोग करने के लिए। बिल्कुल ठीक। मैं विवेक जी, जिस प्रकार की ये भाषा बोल रहा है, इन शब्दों को कैसे कानून में बिठा के वो गलत है, आप साबित करेंगे? ये देखिए, जो सेडिशन का कानून है, देश के प्रति द्रोह का कानून है, उसमें जो शब्द हैं वो अक्षर से यही शब्द हैं जो देश के विरुद्ध कोई भी बात करने के लिए होते हैं। जैसे इन्होंने कहा अभी कि भारत तो बहुत छोटा सा मुल्क है, यानी भारत को तो फतेह करेंगे ही, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाई भारत में एक लोकतंत्र है, मतलब है भारत को पराजित करके जीतेंगे। दूसरा, लोकतंत्र की जो हमारी मान्यता है, जो संवैधानिक हमारा अधिकार है, उसको कुचलकर मसलकर फतेह का आप इंडिकेशन एक और देखिए ना, जो फतेह किया जाता है उसको हर प्रकार से पद दलित किया जाता है। तो ये जो मेजोरिटी है, क्योंकि माइनॉरिटी के तो वो रहनुमा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि है नहीं, लेकिन जो मेजोरिटी है उसको पद दलित करने की बात कर रहे हैं कि उसको किसी भी तरीके से फतेह करना। फतेह अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है। बिल्कुल। तो उस नेगरंता इस देश में आए थे और इस देश को फतेह करने की बार बार बात करें, और उनके वंशज होने की तरह ये बात करा, उनकी तरह ही ये बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी तक इनके अंदर से वो निजाम हैदराबाद वाला जो कीड़ा है वो अभी मरा नहीं है, वो इनमें किसी ना किसी रूप में जिंदा है अभी। क्या भारत के कानून में उस कीड़े को मारने की हिम्मत ताकत है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल ताकत है। आप देखिए, 3 साल से लेकर के लाइफ इंप्रिजनमेंट तक का प्रावधान है धारा 124 में। तो यदि कानून अपना काम करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए, ये बाहर कैसे घूमेंगे? लेकिन बिल्कुल लोग कानून काम नहीं करता, इसलिए देश के न्यायालय को हम इस कार्यक्रम का वीडियो भेजेंगे। देखने के लिए भी कहा है लेकिन पता नहीं कितने देखेंगे, लेकिन इसका YouTube लिंक हम देश के न्यायालय के सामने देंगे, देश की न्याय व्यवस्था के सामने देंगे, उनको बताएंगे कि ये वकील बोल रहे हैं, ये कानून है और ये बोलने वाला भोकने वाला है, बताइए इसका डेफिनेशन क्या है। इसके लिए आज के कार्यक्रम में हम कानून के साथ और बिंदास में एक वकील साहब को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के यशस्वी वकील को लेकर बैठे हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है? मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। आपने ये राष्ट्रीय मुद्दा उठाया है, ये बहुत अच्छा है। इस बार ये जो आपने मुद्दा उठाया है, ऐसे वैसे राष्ट्रद्रोहियों को जरूर
जरूर जरूर सजा मिले और इनको बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाएं। यही ऐसे लोगों का एक सही ढंग है, सही परिणाम है। और मैं चाहता हूं कि जो भी सेवा हम लोगों से होगी आप बोलिए, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। पहले राष्ट्र सीमा पर सैनिक होने के नाते सेवा की है, अब हम इस तरह से जुड़ करके आपके साथ इस सेवा में भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहते हैं। हरिओम हरिओम। देश के पूर्व सैनिक जो है वो इसके खिलाफ लड़ने को तैयार है। अगर वर्तमान सैनिकों के पास ये ताकत नहीं है या कानून के व्याख्या करने में ही वो उलझे हुए हैं या उनको आकाओं की आदत की आदेश की जरूरत है तो पूर्व सैनिक क्या कहते हो बात आप सुन रहे हैं। हालांकि यह कानून को हाथ में लेने की बात फिलहाल तो हम नहीं करें। यहां पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोलचाल। ऐसे मोदियां बहुत आए बहुत चले गए। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भाग रहे आओ। मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ बताता हूं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए ओवैसी का। जिस प्रकार से ओवैसी ने यह सारा नंगा नाच किया है इसके ऊपर देश का कोई भी मीडिया हाउस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमने तय किया कि पहले भी हम इसको अरेस्ट करवा चुके हैं, अब भी करवाएंगे और इसलिए किसी भी कीमत पर कार्यक्रम तब तक जारी रखेंगे जब तक इसकी अरेस्ट नहीं होती। और आज हम लगातार तीसरा बिंदास आपके सामने लेकर आए। आज वकील के साथ हम आपको बात दिखा रहे, शब्द दिखा रहे, कानून दिखा रहे और कानून की मजबूरी भी ध्यान में आ रही है और आप और हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं यह भी दिखा रहे। आइए एक और वीडियो देखते हैं क्या कहता है यह आपके अपने अगले वीडियो। क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर आठ दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने, महाराज मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है, ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए मगर भाग्य कहां से आई है। वकील साहब के पास चलते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कौन सी धारा आप इस पे लगाने की सिफारिश करेंगे? देखिए पहले तो जो इन्होंने शब्द बोला मुबारक महफिल में मनुष्य नाम, एक ऐसा शब्द जो लार्जली इस देश की मेजॉरिटी को, उसके मान्यताओं को ध्वस्त करने के लिए, उनको इफेक्ट करने के लिए जानबूझकर बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस मुबारक महफिल को एड्रेस करने के लिए, ये विशेषण लगा के, विशेषण लगा के बोला जा रहा है कि ये मनहूस शब्दों का इस्तेमाल इस मुबारक महफिल में क्यों करें। तो ये और सीधे सीधे आप देख रहे हैं वीडियो से जो मुझे पता चल रहा है कि सारे लोग शोर मचा रहे हैं, उसकी वाहवाही कर रहे हैं, उसको जल्लोष हो रहा है, हाँ, उन्माद हो रहा है, उन्माद हो रहा है, उसको प्रशस्ति दे रहे हैं कि हाँ तुम एक अकेले हो जो ऐसा बोल सकते हो। तो इस पे सीधे सीधे सेक्शन 153 जो सीधे सीधे कहता है किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, 153 ए अलग है, दोनों में यह प्रावधान है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके किसी और की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते, 3 साल तक की सजा है या फाइन है या दोनों हो सकते हैं। यदि जैसे आपने कहा कि इसमें मुबारक महफिल में इसने भगवानों को जिस प्रकार से गलत शब्द का यूज किया, मैं कहूंगा इस वीडियो को जरा दोबारा दिखाए, इसमें और क्या है वो भी एक बार देखते हैं और इसको आप भी सुनिए, दोबारा इसी वीडियो को दिखाते जो पूजा करते हैं, कितने
राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है जीतते वही हर आठ दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई, और दुर्गा सुने, ये सुने बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए मगर भाग्य कैसे आई है। विवेक जी आपने तो एक शब्द पकड़ा था, ये तो पूरा ध्यान से सुनने पे लगता है कि हर शब्द गंदा है, हर शब्द गंदा है, हर शब्द में अंतर्निहित जो भावना है वो सीधे सीधे इस देश के मेजोरिटी को सीधे हिट करने के लिए है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये बताने के लिए है कि भाई ऐसा मैं करूंगा और तुम मेरे साथ हो और तुम ये करो, तुम इस काम को करो। तो ये क्या है, सीधे सीधे दंगा भड़काने वाली बात है। यदि वहां जो पब्लिक बैठी हुई है वो इसमें उन्मादी होकर के और निकल पड़े एक जुलूस लेके और उन्माद फैला दे और वहशत फैल जाए पूरे देश में, भय का वातावरण बन जाए उस जगह पर, तो कई दंगे हुए हैं वहां पर, वैसे भी 12 महीने दंगे का माहौल है, तो इसकी दहशत है, तो ये सब है इसी के कारण ना, ये सब इन सब इस तरीके की भाषणों के कारण ही है जो सीधे सीधे 153 से हिट होता है, 153 ए से हिट होता है। तो कानून क्या कर रहा है, क्यों सो रहा है कानून, वहां चंद्रबाबू नायडू क्या कर रहे हैं वहां पर, उन्होंने आज तक एक्शन क्यों नहीं रहे थे, और अब चंद्रबाबू नायडू भी है, चंद्रबाबू नायडू के साथ वहां पर भाजपा है, वो चंद्रबाबू नायडू को जरा हिलाए इस पर कुछ करने के लिए कहे। हालांकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी अलग स्टेट हो गए हैं, लेकिन तेलंगाना का तो और शायद रोना अलग हो सकता है, क्योंकि वहां पर एक और कम्युनल सरकार होने की बात सारे फेसबुक पर लोग कह रहे हैं, जो वहां की सरकार को कम्युनल कह रहे, इसलिए उसकी तरफ से कितनी कार्रवाई होगी पता नहीं। लेकिन विवेक जी जिस तरीके से कह रहे, आपने वकालत के अनुभव के आधार पर कह रहे कि इसमें कोर्ट ही बड़ी कार्रवाई कर सकता है, वहां के स्थानीय प्रशासन ने या जागरूक नागरिकों ने, देशभक्तों ने, इस विषय के लिए कोर्ट पे जाना जरूरी। कॉलर के पास चलता है, जय हिंद। मैं मुंबई से मुन्ना गुरु बनारसी बोल रहा हूँ। मैं इसके बारे में एक बात ये कहना चाह रहा हूँ सर, एक पागल आदमी जो मुट्ठी भर लोगों को बहका करके और ऐसी बेवतुकी भाषा बोल रहा है, और पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और देश के तमाम लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके इस राष्ट्रभक्ति के अभियान में अपने आप को शामिल करें, और मैं भी अपने आप आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाते हुए मैं अपनी कविता के माध्यम से अपनी बात कहूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सके। सर बिल्कुल बोलिए। जाग गया है कर दो खबर सियारों को, शेर हिंद का जाग गया है कर दो खबर सियारों को, कभी भूल कर भी मच्छर को जंग लगी तलवारों को, जिनके कुकृत्यों से अपनी मातृभूमि शर्मिंदा हो, पकड़ के अंदर डालो ऐसे ओबीसी जैसे गद्दारों को। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ सर, कि चौराहे पर द्रौपदी खींची जा रही चीर, ऐसे ही लग रही भारत की तस्वीर, भारत की तस्वीर ओबीसी बना दुशासन, विश्व पितामह बना खड़ा कानून प्रशासन, मुन्ना गुरु भयंकर कितनी चूक हमारी, अब जनता ही कर सकती है, अब जनता ही बन सकती है अब कृष्ण मुरारी। धन्यवाद, जय हिंद सर। वाह धन्यवाद, अब ये सही कहा है और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस देश की 125 करोड़ जनता ही कृष्ण के भूमिका में आए तो ऐसे दुर्योधन का हम नाश कर सकते हैं, जो जिन्होंने जिनकी उपमा इन्होंने दी कि जहां पर द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था वहां पर भी रथी महारथी थे लेकिन मजबूर थे, कोई किसी निष्ठा के कारण बंधा था तो कोई किसी प्रेम के कारण बंधा था तो कोई किसी परंपरा के कारण बंधा था। हमारी देश की सरकारें, हमारी देश की न्याय व्यवस्था, हमारे देश के नेता जो कोई मजबूरी से, कोई आंखों पर पट्टी बांध के, तो कोई राजनैतिक हित को देखते हुए चुप है,
लेकिन 125 करोड़ हिंदुस्तानी कृष्ण बनकर भारत माता को द्रौपदी होने से बचा सकते हैं, उसके वस्त्रहरण को रोक सकते हैं, और इसलिए अपने अंदर के श्री कृष्ण को जगाना होगा। श्री कृष्ण एक प्रतीक है इस हिंदुस्तान को निष्वस्त्र होने से बचाने के लिए, और 125 करोड़ लोगों की परंपरा श्री कृष्ण से जोड़ी है, और इसलिए उन्होंने इस भूमिका को करना होगा। ये सबसे बेहतरीन आज का कॉल था, ऐसा मैं कहूंगा, ऐसे कॉलर को धन्यवाद दूंगा। और जो बात इस कॉलर ने कही है कि हम अपना आवाज इसमें जोड़ेंगे, हम सोमवार से कैंपेन चालू कर रहे हैं, हम चुनाव आयोग के नंबर चलाएंगे, चुनाव आयोग के लैंडलाइन के नंबरों पर फोन देश भर के लोग करें, दो दिन में अगर उन्होंने उन लैंडलाइन नंबर पर जाने वाले फोन के बाद अगर कार्रवाई नहीं की तो हम देश के चुनाव आयोग के तीनों जो आयुक्त है उनके मोबाइल नंबर भी चलाएंगे, देखेंगे क्या कार्रवाई हमारे ऊपर होगी। लेकिन हिंदुस्तान इनके कानों में चिल्ला कर कहेगा कि इसको अरेस्ट करो। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जी सर, मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, ये हमारे यूपी में भी सर ऐसे ही बोलते हैं सर, सर यूपी में भी सर यूपी का भी दिखाने चाहिए सर। आप भेजिए ना हमको, ऐसे जितने भी सर फिरे हैं उनके वीडियो भेजिए। ये बात केवल ओवैसी तक रुकेगी नहीं, ऐसे ओवैसी जैसे जितने लोग देश में जहां भी होंगे उनको जरा हिंदुस्तान का पानी दिखाना पड़ेगा। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए सर। योगेश अवस्थी बात कर रहा हूँ जी, हिमाचल से। हाँ सर, गली का कुत्ता शेर होता है, गली का कुत्ता शेर होता है, लेकिन वो बाहर आके बोले तो बात माने, इन मुसलमानों को तो 10 मिनट में ठोक दें। ये बात कर रहे हैं 10 मिनट के लिए, नहीं चलिए, हमने उसकी भाषा नहीं उपयोग में लानी, हमने उसके भाषा को नहीं दोहराना है, क्योंकि ये 125 करोड़ और 125 करोड़ में दो पार्ट करके, एक को 25 और एक को 100 कर जो आपस में भिड़ाना चाहता है, इसके इरादे को हम नहीं करना चाहते पूरा, क्योंकि ये तो यही चाहता है कि 125 में से 25 और 100 भिड़ जाए, 25 का ये नेता बन जाए, और भले 25 के नेता बन के ये 100 पे राज करे ना करे, 25 का तो ये राज कर पाए, इसको धर्म से कोई हमदर्दी नहीं, इससे उस 25 करोड़ से कोई हमदर्दी नहीं है, इसको तो बस सत्ता चाहिए, या ऐसे भूखोलों का वंशज है जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद, मैं अंकिता जम्मू से बोल रही हूँ। बोलिए। जी हाँ, MIM पार्टी, इस ऐसी देशद्रोही पार्टियों को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सांप्रदायिक पार्टीज की वजह से ही भारत में अभी तक हजारों दंगे हुए हैं, जिसमें मेरी कितनी ही बहनें विधवा हुई हैं और कितने ही बच्चे अनाथ हुए हैं, कितनी ही माताओं की गोदें सूनी हुई हैं। इसीलिए ऐसी पार्टीज को बैन कर देना चाहिए, और साथ ही उन लोगों को या उन पार्टीज जो इनका सपोर्ट कर रही है उनके खिलाफ भी केस दर्ज होने चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना राष्ट्र से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मूर्ति भट्टल है। हाँ सर, ये जो ओवैसी का जो आप बता रहे हैं ना, हाँ, ये एक नंबर का बदमाश है, ये अपने भारत देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और इस पर जो है ना, किसने शेयर दिए, अपने अपने पोलिटिकल लीडर्स ने शेयर दिए पूरी। आज अगर ये इतनी अपने हिंदू देवी देवता के बारे में इतना अगर बोलता है तो इसको पूरी शर्त ये अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगर इसको कभी कभी दबाया जाता तो इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने बारे में, अपने देवी देवता के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोले। तो सबसे पहले पॉलिटिकल लीडर्स को जो है ना, हिंदुस्तान के उनके वोटों की भीड़ मांगनी चाहिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं। आप भी फोन करिए, अगर फोन नहीं लगता है तो आप फेसबुक पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज दीजिए, और साइट पर भी अपनी चैटिंग रूम में चैटिंग के द्वारा अपनी बात को कहिए, अपनी अभिव्यक्ति जारी रखिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। जय हिंद सर, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो सर। हाँ, आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल, बोलिए। हेलो,
हम स्काइप के कॉलर को कहेंगे कि आपका वीडियो आपको दोबारा देखने के लिए कुछ सेकंडों का टाइम जाता है, जब भी टेलीफोन का कॉल हो या वीडियो कॉल हो कनेक्ट होते ही बोलते जाइए, आपको अपना वीडियो देखना है तो कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रात को 11 बजे और सवेरे 9 बजे होता है, तब इसको देखिए। यूट्यूब पर देखना है तो youtube.com/sudarshan tv channel ये इंग्लिश में, और youtube.com/sudarshan news ये हिंदी में, हम टाइटल के साथ इसमें अपने वीडियो को प्रोग्राम को डालते हैं। अगले कॉल, जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं पहले तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पहली बार ये न्यूज जो भारत की जनता के सामने जो लाए है, इसने मैनी थैंक्स टू दिस चैनल। और दूसरी चीज, हम ये तो जब से मैं देखने से शुरू किया तब से मतलब खून खोलने उठा कि हमारी देवी देवताओं के बारे में ये बिंदास बोल के जा रहा है, फिर भी हम लोग अभी भी, जैसे मुझे वो क्रांतिवीर का डायलॉग याद आ रहा है ना नाना पाटकर ने, जो सोए मुर्दों को जगाया जाता है, वही मतलब वो चीज मुझे बोलने के लिए ही बोला जाता है। जो नाना पाटकर ने जैसे डायलॉग बोल के मतलब जगाया गया था, वैसे भी आप बोल के हमारी मतलब जो अंदर की शक्ति आप जगा दिए थे, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मतलब मेनी थैंक्स ये आप मेरे सामने लाएंगे, बाकी नेक्स्ट जो करना है हमको करना है, हमको अभी टाइम आ गया सब यूनिटी बन के। बिल्कुल, धन्यवाद, आप करिए। और अगर जाग गए हैं तो यही तो करने के लिए बिंदास बोले, यही तो करने के लिए सुदर्शन है। हिंदुस्तान को उसके उसके असली रूप की पहचान दिलानी है, उसके स्वाभिमान को जगाना है। ऐसे जो मच्छर है ये तो यूं उड़ जाएंगे, हमारे अंदर की गंदगी को साफ करिए, मच्छर पनपेंगे नहीं। आप जग गए, वैसे हिंदुस्तान में कई जगह पर हिंदुस्तानी जगकर कई प्रतिक्रिया दे रहे, फेसबुक पर तो कई प्रतिक्रिया आई है, कुछ वीडियो में प्रतिक्रिया हम यहां पर दिखाते हैं। दिल्ली में इस एमआईएम के अकबर ओवैसी के भाई जो है असाउद्दीन ओवैसी, जो सांसद है, उसका घर है, उस घर पर आज कुछ जागरूक देश प्रेमियों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, क्या क्या हुआ है कुछ झलक यहां पर दिखाते हैं। ये उसका सरकारी घर है, घर पर कोई भी नहीं था, सब भाग गए इन लोगों को आगते हुए देखकर। हालांकि लंबे वीडियो यहां पर प्रदर्शन हुआ है, घोषणाबाजी हुई है, और वो वीडियो काफी लंबा है, लेकिन हम आपको उसमें से कुछ अंश दिखा रहे हैं। हम कॉलर को ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, और मैं यहां पर एक बात करना चाहूंगा, ये ओवैसी वाला जो 15 मिनट का टाइम दो कहता है और भले अपने आप को हिम्मत वाला दिखाता है, उसके भाई के घर पर काम करने वाले तमाम दुम दबा के भाग गए। जब वहां पर देशभक्त लोग प्रदर्शन करने आए तो उन्होंने बहुत कुछ अहिंसात्मक ही तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अन्यथा वहां पर कोई बात करने वाला भी नहीं था। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जी जी जी, क्या कहना है आपको? हेलो, हाँ, हमें लगता है सर ये ISI और दाऊद इब्राहिम को सही पर एक काम चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सब लोग यहाँ भाईचारे से रहते हैं, अमन में रहता है, शांति में रहता है। शांति बढ़ाने के लिए काम करना है, गरीब के लिए काम करना है, उन्नति के लिए काम करना है, ये सब क्या देख रहा हूँ। हमारा देश अभी थोड़ा विश्व के लेवल पर थोड़ा उन्नति कर रहा है, तो इसको डिप्रेशन करने के लिए घर का आदमी शुरू हो जाता है, तो हम लोग का देश और ये गरीब कहाँ से हटेगा और अमन शांति कहाँ से आएगा, ये बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बड़ी अच्छी बात की। आम हिंदुस्तानी क्या चाहता है, इसको अगर ने बता दिया, आम हिंदुस्तानी चाहता है शांति बने, आम हिंदुस्तानी चाहता है कि सब लोग भाईचारे से रहे, लेकिन ये नहीं चाहता है कि शांति बने, क्योंकि अशांति के दिनों में इसकी दुकान चलेगी, शांति के दिनों में इसको कोई पूछेगा नहीं, भाईचारा रहेगा तो MIM जैसे पार्टी को कौन वोट देगा। और इसको तो वोट चाहिए, इसको सांसद चाहिए, इसको नगरपालिका चाहिए, इसको विधायक चाहिए, इसको तो फतह करना है, राजनीतिक जीत तक नहीं सीमित रहना है। इसलिए शांति की विरोधी ऐसे लोगों को हमने पहचानना है, पहचान के क्या करना है इस पर हम बात कर रहे हैं। बिंदास बोल जारी है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल जारी, का मोदी किधर का मोदी, ऐसे मोदियां बहुत आए बहुत चले गए।
बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे भाकरे आओ। मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता हूं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड में अब तक हिंदुस्तानियों ने अपनी बात को रखा है, बचे हुए 15 मिनट में भी हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कहें। हम आपके सामने तमाम विषयों को लेकर वकील, कानून और भारत का संविधान क्या कहता है ये भी दिखा रहे, हिंदुस्तानियों के भी कॉल ले रहे, प्रतिक्रिया ले रहे, जहां से यह आता है, जहां पर यह अपनी दहशत का दावा करता है, जहां पर यह अपनी झूठी मर्दानगी को पेश करता है, वहां पर इस कार्यक्रम को दिखाने के बाद लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है आपको दिखाते हैं। तेलंगाना से ही, हैदराबाद से ही क्या क्या आया है देखिए। ये वो प्रतिक्रिया है जो तेलंगाना से आई है, वहां पर बड़े संख्या में कई प्रदर्शन हुए, लेकिन हम कार्यक्रम में समय के कमी के कारण सारे प्रदर्शनों को दिखा नहीं पाएंगे। हम हमारे फेसबुक पेज सुदर्शन न्यूज पर और हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर इन सारे प्रदर्शनों को, देश भर में हुए घटनाओं को दिखा रहे हैं। आप भी अपने यहाँ पर ऐसी घटना करके हम तक वीडियो भेज सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, अपने हिंदुस्तानी होने का पहचान दे सकते हैं, अपने हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य निभा सकते हैं। ऐसे भोकने वालों का मुंह बंद करने के लिए हिंदुस्तान जाग रहा है ये भी दिखा सकते हैं, और ये सब कुछ करने के लिए हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी बोलेगा, किसी भी धर्म का बोलेगा, किसी भी पद का बोलेगा, हम उसके खिलाफ बोलेंगे। बिंदास का ये नारा है, राष्ट्र सर्वप्रथम, इसके साथ हम आपके सामने हैं। इसके साथ कई प्रतिक्रिया और भी आई है, लेकिन हम उन प्रतिक्रियाओं को आपको हमारे फेसबुक पेज पर देखने के लिए कहेंगे। अब एक और वीडियो देखते हैं, उसके बाद वकील साहब के पास चलते हैं और फिर कुछ कॉलर के पास भी चलेंगे। पहले चलते हैं, वीडियो देखते हैं। दुनिया में तीन मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं रामिया पैदा हुए, रामिया पैदा हुए, रामिया पैदा हुए। और फिर हरियाणा में, हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है, वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मायके को जाती है और मायके में जन्म देती है। हमारे पास भी, अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई है, एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मायके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और रामवा पैदा हुए। तीन पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां यहां यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां कहां गई, किधर जन्म दी? ये वीडियो देखकर अगर किसी का खून नहीं खोलता है तो फिर वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। विवेक जी के पास जाऊंगा। विवेक जी, कितना अपशब्द है प्रभु रामचंद्र की मां के लिए, कितना कितना बड़ा अपशब्द यूज करने के बावजूद, और ये शब्द यूज करने के बावजूद ये व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है, क्या कहता है कानून? देखिए, धारा 295 ए भारतीय दंड संहिता 1860 क्लियरली ये कहती है कि यदि किसी की धार्मिक आस्था, विश्वास या भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाता है तो वो एक क्राइम करता है, एक ऑफेंस करता है, एक अपराध करता है पूरी पूरे देश की जनता के प्रति, मेरे आपके प्रति नहीं, सबके प्रति कर रहा है। और ये आप तो ठेस पहुंचाने की बात करें, ये तो लात मारा है, ये तो उससे भी बड़ा अपमान कर रहा है, और ये तो ठेस पहुंचाने का कानून है,
ये तो ठेस पहुंचाने से बड़ी घटना है, इसके लिए क्या कानून है? ये जो 295 ए है इसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है। सीधे सीधे यदि आप इस तरीके की स्पीच देते हैं और वो कानूनन सिद्ध होती है तो आपको सीधे सीधे 3 साल की सजा होगी, जिसके अंतर्गत यदि आप कन्विक्ट होते हैं तो आप हमेशा के लिए बैन हो जाते हैं। लेकिन विवेक जी ये कैसा कानून है? भारत के आदर्श पुरुष जिनका फोटो भारत के संविधान पर है, जिनको सबसे बड़े भगवान के तौर पर हिंदुस्तान में जाना जाता है, ऐसे व्यक्ति के मां के लिए आप शब्द कहने के लिए सिर्फ 3 साल की सजा? मुझे लगता है आप तो भारतीय कानून की बात करें और ये भारत के कानून को नहीं, शायद इस्लामी कानून को मानता है, उसके अनुसार अगर वहां के कानूनों को देखेंगे तो कुछ आप बता पाएंगे? वहां तो हाथ के बदले हाथ, मुंह के बदले मुंह, अब जबान के बदले जबान, जबान ज्यादा चला रहा है तो जबान खींच ली जाएगी यदि वो कानून चलाया जाएगा तो। तो अगर इसके ऊपर भारत के कानून नहीं चल सकते तो जो कानून ये चाहता है उसको चलाकर इसको उपचार करने की आवश्यकता है, तय करना है प्रशासन को कि वो क्या करता है। कॉलर के पास चलते हैं, कॉलर की प्रतिक्रिया लेते हैं। जय हिंद। नमस्ते, वंदे मातरम। बोलिए। आपने थोड़ी देर पहले इनके ओवैसी जी की तुलना इनसे की, अपने दुर्योधन से। मैं तो ये कहता हूँ ये तो दुर्योधन से भी निकृष्ट हैं, वो तो बहुत उत्तम आदमी था। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपका सुझाव बड़ा अच्छा है कि जो इलेक्शन कमीशन को, हेलो, हाँ बोलते रहिए। इलेक्शन कमीशन की जो है हम सब गुहार लगाएंगे उनको। और अभी मैंने पीछे किसी इसमें देखा था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वीएस संपत जी, वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, दिखाई दिए, कई मंदिरों में जाते आते हैं, तो इन्होंने आजम खान वगैरह के भी स्पीच में रोक लगा दी थी। तो हमें विश्वास है कि जैसे हम आप कैंपेन बताते हैं उस कैंपेन में अगर हम लोग सहयोग देंगे तो हो सकता है कि ओवैसी जी का भी आगे से पत्ता साफ हो जाएगा। ओवैसी को जी क्यों लगा रहे जी? कि किसी भी रैली में आगे से हमारे संस्कार है, आप गलत नहीं, क्योंकि हमारी जबान को आदत है, हम गलत नहीं बोल सकते, लेकिन इसके संस्कार बताते हैं। न जाने ये कहा क्या पर कैसे पैदा हुआ, इसकी जबान जब भी खुलती है तो हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ही खुलती है। कई और इसके वीडियो है, मैं वो सारे वीडियो अगर दिखाऊं तो महीने तक चलेंगे। हिंदुस्तान ये कैसे सहन कर पाता है? ये सहनशीलता कायरता में तब्दील हो रही है, इसलिए बोलने वालों को हम बढ़ावा देते हैं। चलते अगले कॉलर के पास, वो क्या बोलना चाहते हैं सुनते हैं। जय हिंद। जय हिंद साहब, मेरा नाम जीडी प्रदीप सिंह, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। हाँ, तब हमारे जो एक विधायक थे 1982 में शिवलाल सिंह एमएल लेवल के, हाँ, उन्होंने इनके पिताजी थे, इनका बाप था एक सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी बोल के, उसको असेंबली के अंदर चप्पल से मारा था। हाँ, तो अभी हमारे विधायक है टी राजा सिंह जी गोशाबैन क्षेत्र से। हाँ, अभी अभी उसको उसको बताएंगे कि असेंबली के अंदर, हमारी असेंबली के अंदर उसको एंट्री नहीं देने का है और उसको उसको चप्पल से मारने का है अभी। चलिए, चप्पल तो इतिहास, इसके बाप को चप्पल मारा था, वही सजा अगर दूसरी पीढ़ी कर रही है तो जरा दूसरा कुछ सोचिए, बड़ा सोचिए। धन्यवाद। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, अभी अभी किसी ने इसके लिंक को भेजा है, इसको भी देखते हैं। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, हजार मरतबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले, हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे, बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फूटी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफनाते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। मैं विवेक जी के पास चलूंगा। विवेक जी, इस वीडियो पर क्या कहेंगे? मानसिकता आप देखिए कि हम जाएंगे भी तो लूट के ले जाएंगे, जैसे मोहम्मद गौरी ले गया था। हाँ, वही सारी तो आए थे, लूटने आए थे, लूट के ले गए। अब खुदा ना खास्ता यहाँ हम लोगों की सहिष्णुता के कारण बस गए, तो अब उसका भी नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2,
जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं, मेरा पूछना ये है कि वरुण गांधी ने क्या किया था जो उसे जेल हुई थी? वरुण गांधी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, कभी कोई ऐसी हेटरेड स्पीच नहीं थी, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और उसको जेल के पीछे भेज दिया। क्यों? वो एक मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करने वाला नेता है, इसलिए। और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा साहब? 505 सेक्शन आईपीसी का क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 क्लियरली ये कहते हैं कि इस तरीके की हेटरेड की भाषा बोलने वालों को कम से कम 5 साल की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम इससे जोड़े आईपीसी से या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट से जोड़े, तो वो क्लियर कहता है कि यदि कोई पार्टी या पार्टी का कोई नुमाइंदा इस तरीके की नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल पब्लिक मीटिंग्स में करता है तो उस पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, उस मेंबर की मेंबरशिप रद्द होनी चाहिए, उसको डिबार करना चाहिए कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करने से। ये इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल, और ये सवाल है, और इसलिए इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था पर अगला धावा हिंदुस्तानियों ने बोलना है। हम सब मिलकर इलेक्शन कमीशन को पूछेंगे कि एमआईएम की मान्यता क्यों रद्द नहीं हुई, आप खुद पर क्यों नहीं जागे हैं, और अगर आपके जागने से नई बात बनी है तो हिंदुस्तान जाग गया है, और इसलिए हिंदुस्तान कल से, सोमवार से इलेक्शन को, इलेक्शन कमीशन को और तमाम व्यवस्थाओं का सवाल पूछेगा। कल 11 बजे से हम नंबर चलाना शुरू कर देंगे, नंबरों पर आप फोन करके इलेक्शन कमीशन को सवाल पूछिए, उसके बाद हम अन्य अथॉरिटी के भी नंबर, ईमेल आईडी, फैक्स नंबर चलाएंगे, फोन नंबर चलाएंगे। आशा करते हैं कि हम सब मिलकर जो आवाज उठाए हैं ये आवाज जारी रहेंगे। केवल 3 बिंदास बोल रुक के करके हम रुकेंगे नहीं, ये मुद्दा हमने जैसे कहा था तब तक चलाएंगे जब तक इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, 525 एफआईआर नहीं होते, चुनाव आयोग इसके ऊपर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई की पहल नहीं करता, या भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, तेलंगाना सरकार इस विषय पर कोई पहल नहीं करती, हम इसके भाषण दिखाएंगे। बिंदास तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार है, लेकिन 24 घंटे का चैनल है, कल 11 बजे से सुदर्शन पर दिन भर विभिन्न विषयों के साथ इस विषय को भी हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। कैका मोदी, किधर का मोदी? ऐसे मोदियां बहुत आए बहुत चले गए। बड़े ठाकरे कहां के ठाकरे फाकरे, आओ। मैं तुम्हारे पास आया हूं, हिम्मत है तो तुम मेरे पास आओ, बताता